बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि कॉलेज में परफॉर्म करने के लिए कोई मैशअप बनाइए। तो कॉलेज में परफॉर्म करने के लिए मैंने ये मैशअप बनाया जिसमें चार सॉन्ग है। तो इन चारों सॉन्ग को मिलाकर आप जब एक मैशअप टाइप का गाएंगे तो आपकी इसमें पूरी लाइफ में जो जो एक्टिविटीज़, जो जो चीज़ें आती हैं जाती हैं और जो जो चीज़ें आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हैं वो इसमें डिफाइन हो जाएंगी। तो ये मैशअप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और ईजी भी है काफ़ी। तो इस मैशअप में कौन कौन से कॉर्ड्स यूज़ हुए हैं? इस मैशअप में केवल चार कॉर्ड्स यूज़ हुए हैं। पहला कॉर्ड है सी मेजर, दूसरा है ए माइनर, तीसरा है एफ मेजर, चौथा है जी मेजर। आप चाहे बार लगाइए चाहे ओपन लगाइए, आपकी मर्जी, जो आपको सूट करे वो लगाइए। सी मेजर, ए माइनर, एफ एंड जी, इन्हीं चार कॉर्ड्स में पूरा मैशअप हो जाएगा आपका। तो इस मैशअप का सबसे पहला सॉन्ग है माँ। माँ जो कि हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और हमारी लाइफ माँ से ही शुरू होती है। तो सबसे पहला सॉन्ग जो मैंने इस मैशअप में रखा है वो रखा है माँ, माँ तारे ज़मीन पर से। तो ये कैसे शुरू होगा? एकदम स्लोली शुरू होगा ये, और ये मैशअप धीरे धीरे करते करते आगे जाते जाते एनर्जेटिक होगा और फास्ट भी होता जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं स्लो सॉन्ग से, माँ जो कि हमारी लाइफ में सबसे पहले आती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए मैं धीरे धीरे आपको गा के बता देता हूँ कैसे गाना है इसको। ज़्यादा तेज़ नहीं गा पाऊँगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। मैं कभी बतलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। इसको रिपीट करेंगे फिर समिंग शुरू करेंगे। मैं कभी बतलाता नहीं तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता ठीक है, माँ इतना ही गाएंगे। तो इसमें स्ट्रमिंग मैंने क्या यूज करी है? डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन, माँ के लिए मैंने ये स्ट्रमिंग यूज करी है। तो अब ये सॉन्ग को इतना ही गाएंगे, उसके बाद अगला सॉन्ग जो आता है वो होगा हमारे सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन के लिए जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होते हैं हमारे पापा। तो सेकेंड सॉन्ग जो है वो इसी मैशअप का, वो है पापा के लिए। तो अब माँ सॉन्ग हम लोग पहले गा रहे थे, अब दूसरा सॉन्ग जो है वो आएगा पापा। उसके लिए मैंने सॉन्ग चूज़ किया है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, आमिर खान का। तो मैं बताता हूँ कैसे स्विच करना है सॉन्ग पे। सॉन्ग स्लो स्लो चल रहा था माँ का, और पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा वो थोड़ा फास्ट है। तो कैसे स्विच करना है चलिए बताते हैं। तुझे सब है पता पापा, यहाँ थोड़ी देर स्टॉप ले लीजिए, फिर कहिए पापा, फिर पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा तो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, इसकी स्ट्रमिंग क्या है? डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। तो दो सॉन्ग होंगे, पहला सॉन्ग हमारी माँ के लिए, दूसरा सॉन्ग हमारे पापा के लिए। अब अगली चीज़ जो हमारी लाइफ में होती है वो होते हैं हमारे दोस्त, यानी कि मम्मी पापा के बाद होते हैं हमारे दोस्त। तो अगला सॉन्ग जो आएगा वो होगा हमारे दोस्त के लिए। तो मैंने कौन सा सॉन्ग चूज़ किया उसके लिए, मैंने सॉन्ग वाला चूज़ किया है पुरानी जीन्स और गिटार। तो इसके लिए स्ट्रमिंग जो है वही चलती रहेगी पापा कहते हैं वाली, और सॉन्ग चेंज हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूँ। मगर ये तो कोई न जाने के मेरी मंजिल है कहाँ, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा
जींस और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना, गली में जाके वो करना, माँ पापा दोस्त के लिए सॉन्ग हो गया। अब अगला जो पर्सन आता है हमारी लाइफ में वो होता है लव, यानी कि हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होते हैं उसके तो उसके लिए मैंने सॉन्ग कौन सा चूज़ किया, उसके लिए मैंने कोई अलग सॉन्ग नहीं चूज़ किया है। यही पुरानी जीन्स और गिटार वाले सॉन्ग में एक लाइन आती है, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा और उसमें लव का भी पार्ट आ जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। लड़कपन का वो पहला प्यार, वो लिखना हाथों पर L plus R। तो ये लव का हो गया। तो अब मम्मी पापा दोस्त लव, ये हो गया। अब आपकी लाइफ में एक पार्ट और भी इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है आपकी कॉलेज या स्कूल लाइफ जो भी होती है। तो उसके लिए मैंने कौन सी लाइन कौन सा सॉन्ग चूज़ किया, उसके लिए मैंने कोई अलग सॉन्ग चूज़ नहीं किया, उसके लिए यही पुरानी जीन्स और गिटार में एक लाइन आती है, वो कॉलेज लाइफ से रिलेट करती है। तो मैं इसको गा के बताता हूँ कैसे उसको गाएंगे हम लोग। तो मैं शुरू करता हूँ वहाँ से, लव से। लड़कपन का वो पहला प्यार, वो लिखना हाथों पर L plus R, पहुँचना कॉलेज हमेशा ले, वो कहना टीचर का get out from the class, वो कॉलेज जाके अब अगली लाइन आती है जो दोस्तों की यादें रह जाती हैं उससे रिलेट करता है। बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी मोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। तो हम लोग बचपन से लेके कॉलेज लाइफ तक आ चुके हैं। अब हमारी लाइफ में आते हैं ऐसे मोड़, ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें लाइफ की बैंड बज जाती है, जॉब लगती है नहीं लगती है, पैसे नहीं होते हैं, ये नहीं होता वो नहीं होता, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए मैंने कौन सा सॉन्ग चूज़ किया है, उसके लिए मैंने सॉन्ग चूज़ किया है गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन, उसके लिए मैंने ये सॉन्ग चूज़ किया है। तो कैसे स्विच करना है वो मैं बताता हूँ आपको। बस यादें यादें रह जाती हैं, कुछ छोटी मोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो ऐसे ही चलता रहेगा। आप जहाँ तक गाना चाहते हैं वहाँ तक गाइए इस सॉन्ग को, और यहीं पर ये मैशअप ख़त्म हो जाता है। और इस सॉन्ग के लिए समिंग पैटर्न जो है गिव मी सम सनशाइन के लिए वो थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे कि इसमें समिंग डिवाइड हो रही है। जब आप सी पे रहेंगे तो डाउन डाउन, फिर जी पर आएंगे अप अप डाउन डाउन,
ऐसी समिंग इसमें लगेगी आधी आधी डिवाइड करके। तो सारे सॉन्ग के समिंग पैटर्न और कैसे गाना है मैंने बता दिया, आप जब सारे सॉन्ग को मिला कर गाएंगे तो बहुत ही अच्छा और एक मीनिंगफुल मैशअप बनेगा। और ये मैशअप कॉलेज में परफॉर्म करने के लिए काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि ये सूट करता है आप मम्मी से लेके पापा, दोस्त, लव, कॉलेज लाइफ और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सब कुछ इस मैशअप में बता देते हैं चार सॉन्ग के थ्रू। आई होप आपको ये मैशअप पसंद आया होगा, और कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और यार सब्सक्राइब किया करो। आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा आगे भी। थैंक यू।